हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो है क्लास फर्स्ट में आपका न्यू चैप्टर बता आपका फोर्थ स्कूल इज फन पेज नंबर में देखेंगे। स्कूल इज फन, ठीक है बेटा। यहाँ पर कुछ लेटर दिए गए थे आपको, उनको जो है करेक्ट ऑर्डर में करते हुए एक वर्ड बनाना था, ये आपको बताया गया था। और सी तो बेटा आपका अरेंज दीज वर्ड्स टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस, यहाँ पर सेंटेंस को बेटा, ठीक है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए थे उन्हें जो है आपको अरेंज करते हुए, रीअरेंज करके पुनः व्यवस्थित करके आपको जो है कंप्लीट सेंटेंसेस बनाना पड़ता, ठीक है। ये आपको बताया गया था। और आज जो है में आपका क्या गया दिया है नंबर फोर स्कूल इज फन, तो देखिए मेरा गेट से करेक्ट टिप्स द थिंग्स यू टेक टू स्कूल, आपको जो है उस वस्तु पे टिक करना है, सही के निशान लगाना है जो आप बेटा स्कूल में ले जाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं बेटा अगला है गेट से में टिक द थिंग्स Tick the things you take to school. आपको उन वस्तुओं का सही कैसे लगना था जिसे आप स्कूल ले आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बेटा कुछ बुक में आपके पेज 20 पे फिगर दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ पे आपका जो बेटा ये फिगर दिए गए हैं, ठीक है, गेट सेट में आपका ये फिगर दिया गया बेटा, ठीक बच्चों। तो इनमें से जो चीज़ें आप अपने स्कूल में अपने विद्यालय में ले जाते हैं उस पर जो है आपको सही के निशान लगाना है, समझ गए। यहाँ जो पहला फिगर देखेंगे आपका बैग, ठीक है, यहाँ पे बैग का फिगर बना हुआ है। सेकेंड में आपका कैमरा है, थर्ड फिगर बेटा डॉल, फोर्थ में आपका बुक, उसके बाद फिफ्थ में आपका लंच बॉक्स, उसके बाद जो सिक्स फिगर है बेटा वो आपका सूटकेस का बना हुआ है, और उसके बाद बॉटल है थर्मस सकते हैं या बॉटल, उसके बाद आपका कलर बॉक्स, ठीक है, कलर बॉक्स। ये आपके सिक्स फिगर या आपका एट फिगर बने हुए हैं, ठीक है, एट फिगर बने हुए हैं। और प्रत्येक फिगर के नीचे आप देखेंगे बेटा बॉक्स बना हुआ है, उसी बॉक्स में आपको टिक करना है जो चीज़ें आप विद्यालय में जो वस्तुएँ विद्यालय में आप ले जाते हैं। तो ये यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला सब्जेक्ट था बैग, बैग है, ठीक है, और इसके यहाँ पे मिल जाएगा बॉक्स, सवाल क्या है सी ए एम आर ए कैमरा, ये हम जा रहे कैमरा का फिगर था, ध्यान रखेंगे यहाँ पर तो आपके आपको ब्लैक बोर्ड पर जो आपको लिखा जा रहा है आपके बुक में बेटा आपको दिखाया गया है, यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, समझ रहे हैं, यहाँ जहाँ बैग का लिखा है यहाँ पर आपका बुक का सॉरी बैग का फिगर है, और यहाँ पर कैमरा लिखा गया है यहाँ पर कैमरे का फिगर है, बुक पर पेज नंबर 20 में देखेंगे। उस पर नेक्स्ट बेटा आपको लिखा है डॉल, डी ओ डबल एल डॉल, ठीक है, डी ओ डबल डॉल मिल गुड़िया का फिगर है, उसको बेटा बुक भी आप लिख सकते हैं डी डबल ओ ए ओ, ठीक है, यहाँ पर का नेक्स्ट जगह का बुक का फिगर है डी डबल ओ के बुक मिल किताब, ठीक है, ये फोर्थ फिगर जो है फोर्थ दिए गए हैं, और उसके ठीक पीछे पता है आपका लंच बॉक्स का फिगर है यस यस यस
लंच और ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका है टू के जस्ट टू आई टी टी के ठीक है। ये आपका टू के नेक्स्ट ठीक है बेटा। आपका पानी पीने के लिए आप चले लेते हैं क्या वाटर बॉटल में कौन हो जाएगा बी को डबल सी डबल बी बॉटल बी और डबल टी यानी बॉटल का मतलब इतना कर सकते हैं। लास्ट फिगर बेटा आपका कलर बॉक्स का है सेमीकोलन एक कलर बॉक्स सी को यहाँ पे पीछे लिखे सेम लाइन होगा यहाँ देख लेंगे इसके बाद बिना था कवर बॉक्स ई ओ एल ओ यू आर बी ओ एक्स ठीक है कलर बॉक्स। कलर बॉक्स सी ओ एल ओ यू कलर बॉक्स है आपको देखिए कलर पेंसिल जो आपका है इसमें कलर भरे हुए हैं ठीक है। यहाँ ये चीजें आपको जो है बुक में पेज पर ट्वेंटी पे सभी का जो है जहाँ का नेम लिखा है वहाँ पर आपका जो है बुक में आपको फिगर दिया हुआ है बैग है बैग में क्या होता है थैला या बस्ता कर सकते हैं जो आप उसमें आप अपनी कॉपियाँ बुक पेंसिल वगैरह बॉक्स वगैरह रख करके ले जाए ठीक है। और कैमरा है कैमरा स्कूल का बुक मीन किताब लंच बॉक्स आपका अपना लंच बॉक्स लेते हैं सूटकेस है उसमें आप कुछ कपड़े रखते हैं और बॉटल यानी पीने के लिए पानी भी रहते हैं बॉटल और रन करने के लिए बॉक्स में आपका रंग होता है ठीक है वो आप ले आते हैं ठीक है। तो इनमें से जो चीज़ें आप घर में ले आते हैं उनमें जो है आप सही कर कंटिक करेंगे जो बॉक्स रख दिया हुआ है सबसे पहले आपका बैग बैग ये आपका जो है आप इसे विद्यालय में ले जाते हैं ठीक है। उन वस्तुओं का आपको चेक करना है इसका लगाना है जो आप विद्यालय में ले जाते हैं स्कूल विद्यालय में ले जाते हैं ठीक है। कैमरा कैमरा के साथ विद्यालय में कोई जरूरत नहीं है ठीक है कैमरा की कोई जरूरत नहीं है नहीं जाते हैं आप करने के आप छोड़ भी सकते हैं खाली भी छोड़ सकते हैं क्योंकि केवल चेक करना है उन वस्तुओं पर क्या रखेंगे केवल उन वस्तुओं को चेक करना है जो आप विद्यालय में ले जाते हैं। तो कैमरा नहीं लेते हैं कि हम क्रॉस कर देंगे या फिर इसको इस बॉक्स को जो है हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं क्योंकि हमसे इसको पता नहीं है इसको हमको नहीं लेना है करना इधर हम चलेंगे ठीक है। आगे देखते हैं थर्ड डॉल डॉल मीन्स गुड़िया ठीक है। तो डॉल का जो है आपको विद्यालय में आप नहीं ले जाते हैं यहाँ पर इसको भी क्रॉस कर देंगे या फिर उसे भी जो है हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं ठीक है क्योंकि आपको उन चीज़ों को टिक करना है जो आप स्कूल में ले जाते हैं उस प्रकार है। नेक्स्ट आपका क्या है लंच बॉक्स का यहाँ पे फिगर है ठीक है। लंच बॉक्स का दिया हुआ है यहाँ पर भी जो है ठीक है। तो इस तरफ क्या करेंगे क्रॉस का निशान लगा देंगे गलत निशान लगा देंगे। नेक्स्ट बेटा आपका है वाटर पास पीने के लिए आपका जाले ले जाते हैं साथ में तो ये बेटा क्या करेंगे चेक करेंगे सही निशान लगा देंगे। और लास्ट का आपका है कलर बॉक्स जिसे आप जाले में अपने साथ ले जाएंगे तो इसके बेटा आप जो है सही निशान लगा देंगे ठीक है बच्चों। इस तरह से जो है आप यहाँ पर उन वस्तुओं को टिक करेंगे जो आप ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे कंप्लीट करेंगे आज बेटा आगे आपका दिया है कंप्लीशन चेकअप पे ए एम चो टिप्स ऑफ करेक्ट आंसर पेज नंबर 22 पेज नंबर 22 पे लगेंगे टिप्स ऑफ करेक्ट आंसर पेज नंबर 22 पे आपका टिक द करेक्ट आंसर ए है टिक द करेक्ट
ठीक है बच्चों, याद रखना है कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप में एक तरफ करेक्ट आंसर सही उत्तर में जो है वो सही का निशान लगाना है, ठीक है। आइए पहला देखते हैं बच्चों, फर्स्ट आपका बेला इज गोइंग टू स्कूल फॉर द, ठीक है, बेला इज गोइंग टू स्कूल फॉर द, पहला है बेला इज गोइंग टू स्कूल, बेला इज गोइंग टू स्कूल फॉर द, ठीक है बेटा, यानी करेक्ट है बेला स्कूल जो है जा रही है, ठीक है, फॉर द बेला इज गोइंग टू स्कूल, बेला स्कूल जा रही है, फॉर द आपका कब बेटा आपने दिया है ऑप्शन ए का फर्स्ट टाइम, पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम ऑप्शन बी है, थर्ड टाइम ऑप्शन सी, सेकेंड टाइम, ठीक है, बेला स्कूल जो है जा रही है फर्स्ट टाइम पहली बार या फिर थर्ड टाइम तीसरी बार या फिर सेकेंड टाइम दूसरी बार, और देखो क्या पहला होगा तो ये है बेला इज गोइंग टू स्कूल फॉर द ऑप्शन ए फर्स्ट टाइम, नेक्स्ट बेटा बी ऑप्शन बी है थर्ड टाइम टी एच आई आर टी थर्ड टाइम, एंड ऑप्शन थ्री ऑफ जो ऑप्शन थ्री सेकेंड टाइम, सेकेंड टाइम तीनों में से जो आपका ऑप्शन सही होगा उससे आप सही निशान लगाएंगे। तो बताया आप देखा आपने सबसे पहली टाइम है बेला इज गोइंग टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे, करेक्ट, बेला जो है आज पहली बार, ठीक है, बेला आज पहली बार जो है स्कूल जा रही है, ठीक बच्चों। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, कौन सा करेक्ट आंसर होगा, आप समझ गए बेटा कि आपका बेला इज गोइंग टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फर्स्ट टाइम या बेहतर होगा। नेक्स्ट बेटा आपका सेकेंड, सेकेंड बच्चों बेलाज पेरेंट, बेलाज ठीक है बेटा, दिया का बेलाज पेरेंट्स टुक हर टू, बेला के माता पिता टुक मींस ले गए, हम दिया बेलाज पेरेंट्स टुक हर टू, बेला के माता पिता उसे ले गए कहाँ बेटा, ऑप्शन ए दिया है मार्केट, ऑप्शन बी टेम्पल, ऑप्शन सी स्कूल, आइए देखते हैं ऑप्शन ए मार्केट, ऑप्शन बी है बच्चों टेम्पल, टी एम पी एस टी टेम्पल, एंड ऑप्शन सी है बेटा स्कूल, ठीक बच्चों कहा गया बेला टू हर टू, बेला के माता पिता बेला को ले गए, उसे ले गए कहां का मार्केट के बाजार, ऑप्शन बी टेम्पल यानी मंदिर, एंड ऑप्शन सी बच्चों स्कूल, बेला के माता पिता उसे कहाँ लगे थे बेटा, तो याद आपका हो जाएगा बेटा आपका ऑप्शन सी स्कूल, बेला के माता पिता उसे स्कूल ले गए थे,
ठीक है, आपको ऑप्शन दिया मार्केट बाजार टेन परसेंट बी एंड आप बी स्कूल, तो बेला के मदद से हमसे स्कूल ले गए थे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर स्कूल। मतलब अगर बेला पेरेंट्स टू हार्ड टू स्कूल, ठीक है। आई नेक्स्ट चैप्टर थर्ड बेला फ्यूचर वॉर, बेला टीचर टीचर वॉर, बेला टीचर वॉर करो चलो, बेला टीचर वॉर यानी कि बेला की टीचर थी, ठीक है, बेला टीचर वॉर यानी बेला की टीचर थी कौन सी बेटा, अपने मिसेस प्राची, मिसेस प्राची, ऑप्शन बी मिसेस प्राची, ठीक है, और ऑप्शन सी बच्चों मिसेस स्वाति, यस डब्ल्यू टी एस स्वाति का तो कि बेला टीचर वाज मिसेस प्राची, ऑप्शन बी मिसेस प्राची, ऑप्शन सी मिसेस स्वाति, ठीक है। तो यहाँ का बेला की टीचर कौन थी, बेला की टीचर थी मिसेस प्राची थी या मिसेस क्राफी थी या फिर मिसेस स्वाति, ऑप्शन सी आप देख रहे हैं। तो हम जो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है पेज नंबर 21 से देखेंगे, बेलास टीचर इज मिसेस स्वाति, मिसेस स्वाति बेला की टीचर कौन थी, मिसेस स्वाति थी, ठीक है बच्चों। तो मिसेस स्वाति आपका ऑप्शन सी में है, आप देख सकते हैं जो मिसेस स्वाति है आपका ऑप्शन सी है, मिसेस स्वाति राइट आंसर, ठीक है। टीचर वाज मिसेस स्वाति, ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर आपका कंप्लीट चेकअप मिट्टी का राइट आंसर में आपका लास्ट है फोर्थ बेलाज फ्रेंड्स वेल कार, यहाँ दिया है सबका बेला स्ट्रेंथ स्पेस का, जो फोर्थ है का बेला स्ट्रेंथ बेला स्ट्रेंथ वेयर का, ठीक है, बेला स्ट्रेंथ वेयर का, बेला के जो थे वो कौन थे बेटा, उन्हें क्या करते, क्या करते थे दोनों को, यहां से आपका ऑप्शन देखेंगे बेला स्ट्रेंथ वेयर कार, ऑप्शन ए रिया एंड जय, ऑप्शन ए रिया एंड जय जे ए टी के, रिया एंड जय बेला के मित्र को जब था रिया और जय के नाम से बुलाया जाता था, ऑप्शन ए ऑप्शन बी बच्चों सारा एंड जय एस के आर के सारा एंड जे के सी के आर के, ठीक है बच्चों, सारा एंड जय के नाम से बोलते थे, यानी सी का ऑप्शन माया एंड साहिल, माया एंड साहिल,
माया एंड ठीक है जो याद किया होते हैं पहला स्टेज में का सबसे पहला काम पहला के जो थे ठीक है कौन सा बेटा सारा एंड जैकी ठीक है पहला के जो है सारा और जैकी के नाम से जो बुलाया था तो ऑप्शन बी होगा बेटा आपका राइट आंसर सारा एंड जैकी ऑप्शन बी इज राइट आंसर सारा एंड जैकी ठीक बच्चों तीसरा जो है आप ये कंप्लीशन चेकअप में आपका ठीक जगह कंप्लीट करेंगे आपको दिया गया था और इसके बाद दिया है आपका बी स्टेट टू और ऑन है ठीक है क्या बेटा स्टेट थ्रू आर फॉल बी स्टेट थ्रू बी आर थ्रू और फॉल स्टेट थ्रू आर फॉल आपको बेटा सही या गलत जो है यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कथन दिया गया है तो स्टेटमेंट आपका टू होगा उसके लिए लिखेंगे जो आपका फॉल्स होगा उसके लिए यहाँ लिखेंगे यहाँ से पहला का पहला वाज नॉट ऑफ से बेला वाज नॉट ऑफ से आई थी बेला वाज नॉट ऑफ से ऑफ प्रीवियस स्कूल बेला और नॉट ऑफ बेला जो है डरी हुई नहीं थी ठीक है नहीं डरी थी आप उनके स्कूल जब वो स्कूल जा रही थी तो वहां डरी हुई नहीं थी या पास होगा या पास इसके लिखेंगे सेकेंड नंबर का बेला पेरेंट्स टू हर स्कूल सेकेंड नंबर का बेला पेरेंट्स बेला पेरेंट्स टू हर स्कूल ठीक है क्या कि बेला पेरेंट्स पहाड़ टू स्कूल यानी कि बेला के माता पिता जो है उसे स्कूल ले गए ठीक है या विद्यालय ले गए यहाँ पर इसके लिए आप लिखेंगे टी या एफ थर्ड आपका बेला क्लास रूम हेड इन वन बेला क्लास रूम सी एल पी डबल एस आर डबल टू बेला क्लास रूम हेड इन वन डब्लू ए डबल एस वाल मीन दीवार कहा बेटा कि बेला क्लासरूम जो बेला की क्लासरूम का जो बेला कक्षा था उसकी दीवार कैसे थी पिंक थी पिंक कलर की थी गुलाबी कलर की थी उसकी दीवार को पेंट की गई थी वो किस कलर की थी पिंक कलर की थी ठीक है इसे आप लिखेंगे यहाँ पर जो मिसेस स्वाति वाज वेरिका मिसेस स्वाति वाज वेरी काइंड मिसेस स्वाति को उसकी टीचर थी बेला की ठीक है जो बेला की टीचर थी उनका वो बहुत दयालु थी मिसेस स्वाति वाज वेरी काइंड मिसेस स्वाति जो है बहुत दयालु थी इसे आप लिखेंगे एंड लास्ट आपका स्टेटमेंट बेला है ऑन हेड स्कूल बेला है
फन एस स्कूल या सी एच डबल एल मेला है फन एस स्कूल ठीक बेटा याद दिया है मेला है फन एट स्कूल यानी मेला ने जो है स्कूल में आनंद लिया मजे लिए ये आप जो है ट्रू या फॉल्स राइट करेंगे यहाँ पे आपका स्टेट ट्रू और फॉल्स में कुल फिफ्थ आपको जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं आप उसे जो है होमवर्क रूप में कंप्लीट करेंगे ठीक बच्चों होमवर्क रूप से कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आपका क्या है सी राइट एंड लर्न द नेम्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्कूल यूनिफॉर्म ठीक है इसे हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे तब तक के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।